नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुंबई के वाशी स्थित राजीव गांधी महाविद्यालय में 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ का उद्घाटन शिवसेना सांसद राजन विचारे, शिवसेना के उपनेता विजय नाहटा, महापौर जयवंत सुतार और राजीव गांधी के ट्रस्टी हरिवंश सिंह के हाथों संपन्न हुआ। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ की तरफ से यह आयोजन 2016 से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक बच्चे और 300 महाविद्यालय की सहभागिता है। कॉलेज की प्रिंसिपल वासु पांडे की ओर से हर साल समाज के पिछड़े और गरीब घटकों को मदद करने का कार्य किया जाता है, जिसमें इस साल HIV पीड़ित बच्चों को सहायता करने की पहल शुरू की गई है, जिसमें 2,00,000 रुपए का चेक राजीव गांधी की तरफ से और 50,000 का हेल्प शिवसेना के नगर सेवक मनोहर मड़वी के द्वारा एड्स पीड़ितों के लिए प्रिंसिपल वासु पांडे को सहयोग राशि दी गई है। और इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बॉलीवुड फिल्म से डेब्यू करने वाले सब कुशल मंगल की टीम प्रियांक शर्मा और रीवा किशन भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम 19 दिसंबर तक रहेगा। आपसे शुरू करते हैं, आई थिंक सो इनसे शुरू थोड़ा सा आप जानकारी तो आप ठीक है। हाँ, चलेगा। पांडे सर, क्या कहना चाहेंगे आज आपके कॉलेज कैंपस में यहां पे जो पीस सेलिब्रेट किया गया, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का यहां पे कार्यक्रम रखा गया था? देखिए, फर्स्ट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू टीम कुशल मंगल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच द वैल्यूएबल टाइम, बिकॉज जो हमारा पर्पज है इस बार जैसे ह्यूमैनिटी इन एक्शन विद थीम हम काम कर रहे हैं, एंड HIV पीड़ित बच्चों जो हैं उनके लिए हमने स्पेशली इस बार साल का प्रारंभ डेडिकेट किया है। और हमारे बच्चे एक स्पेशल कॉज उसके लिए करते हैं, एक प्रारंभ की कैंटीन करके हम एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाते हैं और उससे जो भी फंड कलेक्ट होता है वो फंड हम उन बच्चों को डोनेट करते हैं। तो आज जैसे कि टीम कुशल मंगल थी, प्रियांक जी एंड रिवा जी थे, तो हमने उनके हाथों से और हमारे चेयरमैन श्री हरिवंश सिंह जी के द्वारा एक 2,00,000 का चेक ऑलरेडी उन बच्चों को दिलाया है। और अभी 5 दिन शो चलने वाला है टिल 19 इज द फिनाले। सो मोर देन 250 कॉलेजेस आर पार्टिसिपेटिंग। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो मेगा फेस्ट, सो उसमें जो भी फंड कलेक्ट होगा हम और ज्यादा से ज्यादा फंड उन बच्चों के लिए कलेक्ट करना चाहेंगे। वेरी नाइस, आई एम यू वुड लाइक टू कम एवरी ईयर यार। ऑफ कोर्स, प्लीज इनवाइट अस। इट्स आवर प्लेजर, इट्स आवर प्लेजर, इट्स आवर प्लेजर। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। प्रिया जी, कैसा लगा 6,000 बच्चों के बीच में आपने परफॉर्मेंस किया और आपकी फिल्म भी जो 3 जनवरी को रिलीज होने वाली है उसको लेके बहुत सारी खुशियां भी हैं, बहुत सारी मेहनत भी आप और रीवा जी कर रहे हैं जी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मतलब जो क्राउड है बाहर, इतना वाइब, इतना मतलब एनर्जेटिक था, यू नो, हम लोग को ऐसा लगा कि मतलब दे ओनली गेव अस दैट एनर्जी टू डांस और वो सब, तो बहुत अच्छा लगा। और सब कुशल मंगल, तो अभी मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये मेरा बचपन का ड्रीम रहा है, मेरा सपना रहा है कि एक्टर बनूँ, और ये अभी फाइनली हो रहा है, तो मतलब एक अनरियल किस्म का फीलिंग आ रही है, यू नो, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, एंड आई फील दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल टू बी लिविंग द ड्रीम। और बस 3 जनवरी को 2020 सब कुशल मंगल रिलीज हो रहा है, तो जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड। बड़ी उम्मीद है, बहुत चर्चा भी है कुशल मंगल की लोगों में, तो कैसी केमिस्ट्री रही रिवा के साथ आपकी, क्योंकि आप दोनों ने पहली बार डेटिंग किया था, तो कैसी केमिस्ट्री रही आप दोनों की? बहुत मूवी के लिए छोड़िए, लेकिन बट अदरवाइज हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री रही है। और हमारा क्या है कि वीव बिन अ पार्ट ऑफ द सेम बोट सिंस डे वन, हमारे जो वर्कशॉप्स रहे हैं और हमारा जो प्रोसेस रहा है कैरेक्टर को लेके, तो वो आई वुड से सिंस डे वन वी बिन टुगेदर, और वो एक दिन का जो मतलब सून एज वी मेट वो कनेक्शन हो गया, यू नो, तो बहुत एक्साइटिंग था। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अक्षय खन्ना एंड प्राची? माइन, मैं शब्द में जाहिर नहीं कर पाऊंगा, आई कांट पुट इनटू वर्ड्स, बिकॉज I've been such a great fan of Akshay sir. He's a legend, you know, his work and what he's done till now. But I would feel very fortunate. He made me feel very comfortable. He made me feel at ease since the first day. क्योंकि जिस तरह से मतलब हम सेट पे गए, मुझे ऐसा लगा कि मतलब होने क्या वाला है, यू नो, अक्षय सर के साथ पहली मतलब पहला जो शॉट है वो होने वाला है, बट ही, यू नो, मेड मी फील एट ईज एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। Acting was always in my mind since childhood because I've grown up watching my father. तो पिता को जब देखते हो और वो इकलौते हैं हमारे घर में, अब उनके बाद मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है हमारे घर में, वो भी घर में बिटिया कर रही है, तो वो एक कम्प्लीट हिस्टोरिक मोमेंट चल रहा है घर पर, एंड वेरी इमोशनल फीलिंग ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री विच इज़ सो लविंग, so accepting and so full of colors,
एंड इट्स आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई हमारे लिए जगह मिल सकती है हमें. Absolutely. और ऑलरेडी ये शुरुआत में हमें इतना प्यार मिल रहा है, कांट वेट टू वॉच व्हाट्स देयर ऑन द अदर साइड वेटिंग फॉर अस. सो यस. Were you nervous? I wasn't nervous. Or have you ever been nervous on any? Not nervous. I was anxious, and yes. For me, I think, I mean, for us, for both the excitement of us, and anxiety. Because we had that moment together. हमने जो workshops किए थे एक साथ, उस समय ही हमारा bond इतना strong हो गया था और इतना अच्छा faith और बिलीव था एक दूसरे में कि हमें पता था वी वुडंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स ऑन सेट. पता था कि हम दोनों एकदम स्ट्रांग पिलर्स जैसे रहेंगे. एंड दैट बट इट वाज स्मूथ सेलिंग, इट वाज स्मूथ वेरी इजी एंड सारे ने मतलब फैमिली फैमिली की तरह ही पिक्चर बनाई. वार्म फीलिंग थी एंड वी ऑल वर लाइक फैमिली एंड वेरी स्ट्रांग टुगेदर. बहुत ही अच्छा कंफर्ट जोन था हम सबका, थैंक्स टू आवर करण, आवर डायरेक्टर करण सर, आवर अमेजिंग प्रोड्यूसर प्राची मनमोहन, एवरीवन इनवॉल्वड, यू नो, इट वाज लाइक अ फैमिली एंड इट वाज अ वेरी गुड जर्नी. और बहुत मजा आया यार, है ना, बहुत ज्यादा, बहुत मजा आया. टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर. सो तो मेरे किरदार का नाम पप्पू मिश्रा है और वो आपकी इंडस्ट्री से है, वो रिपोर्टर है और उनका एक ब्रेकिंग न्यूज़ शो है जिसका नाम है मुसीबत ओढ़ली मैंने. मुसीबत ओढ़ली मैंने. और ही इज़ कॉन्फिडेंट, ही इज़ स्ट्रीट स्मार्ट, ही इज़ आई थिंक माँ का दुलारा है वो, एंड ही इज़ अ सेलिब्रिटी इन हिज ओन स्पेस, यू नो, वेर एवर ही गोज पीपल आर क्लिकिंग पिक्चर्स विद हिम एंड पीपल आर लाइक टेकिंग ऑटोग्राफ्स फ्रॉम हिम, तो ही इन्जॉयज दैट. अरे इनके कैरेक्टर के बारे में तो पूछो. नहीं काफी मेरी पिक्चर, मेरे लिए वो पिक्चर जाकर देखिए. ठीक है चलो. तो हाँ, एक आंसर यहाँ पर, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर चलेगा. नोट टू द ऑडियंस, क्या कहना चाहेंगे? फुल ऑन फैमिली फिल्म है, फुल ऑन मतलब एंटरटेनर है, आप सबके साथ देख सकते हैं. इट्स अ वेरी स्वीट, वेरी क्लीन, वेरी फन फिल्म एंड इट हैज़ एवरीथिंग. इट हैज़ रोमांस, इट हैज़ कॉमेडी, इट हैज़ एंड इट्स सिचुएशनल कॉमेडी. इट्स नॉट यू नो वो क्या बोलते हैं, जबरदस्ती का नहीं है और वो जो डायलॉग्स का जो है वो उतना नहीं है, मतलब सिचुएशनल कॉमेडी है. तो दैट इज समथिंग दैट वी. बाकी गाने बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे गाने आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं. जब आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हैं तब आप हमारा लव सॉन्ग सुन सकते हैं, जब शादी के माहौल में एक गाना सुन सकते हैं. अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. कितनी उम्मीद है आपको इस फिल्म से? मुझे अब वो मैं नहीं कह सकती हूँ, वो ऑडियंस बताएगी क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मुझे ये उम्मीद है कि लोग जाकर इन्जॉय करें हमारी पिक्चर, हमारा हार्ड वर्क और एफर्ट जो रहा है उस चीज़ को इन्जॉय करें, फैमिली के साथ जाकर देखें, बच्चों के साथ जाकर देखें, दादा दादी के साथ जाकर देखें और हंसे, बस इन्जॉय करें, दैट्स इट. एक्टिंग आप दोनों को विरासत में मिली है जी, तो कितना मुश्किल भरा पल रहा पहली बार जब कैमरा फेस कर रहे थे आप वहाँ जहाँ शूटिंग हो रही थी जी, तो उसके लिए क्या शेयर करना चाहेंगे? हमने क्योंकि वर्कशॉप्स किए थे तो कई हद तक वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा, हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत मदद की बिल्ड करने जी, बिल्कुल. और हमारा कम्फर्ट जोन भी बड़ा अच्छा खासा था कि हम जब कैमरा पर भी थे तो हम बाकी दुनिया को भूल कर बस एक दूसरे को देखते थे जी. कैमरे से कभी डर वैसा था नहीं, मुझे नहीं लगता. एवरीवन हेल्प्ड अस आल्सो एंड और हमारी टीम इतनी अच्छी थी कि बड़े आसानी से और बड़े ही खूबसूरती से हमारा वो जर्नी खत्म जी, बिल्कुल. कॉलेज में आप आए, बच्चों से बहुत सारा प्यार मिला, बच्चे आपके साथ स्टेज पे डांस भी किए, और ऐसी उम्मीद है कि जो देश के सारे युवा हैं वो युवा आपके साथ हैं, आपकी मूवी के साथ हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? बस मैं अभी फिलहाल ये कॉलेज के लिए कहना चाहूँगी कि हम खुशनसीब मानते हैं अपने आप को, इतने बड़े अवसर पर हमें यहाँ पर आने का मौका मिला. थैंक यू सो मच. वी आर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ इवेंटफुल इवनिंग एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल टू हैव अस हियर एंड ब्लेस अस फॉर आवर मूवी. प्लीज ब्लेस अस फॉर आवर फिल्म सब कुछ मंगल एंड और सर ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि हम अगले साल भी आएंगे जरूर जरूर विद अ गुड. इतनी रोमांटिक कॉमेडी इनकी फिल्म है, मैं खुद देख रहा था, मैंने भी ट्रेलर में हमारे बच्चे गए थे बहुत सारे, एंड आके हाँ हमारे बच्चे आपके ट्रेलर देख के आए एंड उन्होंने बोला कि सर
बहुत ही अच्छी मूवी है, जैसे मैडम बता भी रहे थे कि पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं इनको बेस्ट विशेस दूँ हमारे नवी मुंबई की तरफ से, स्पेशली उन बच्चों की तरफ से जिनके एच आई वी पीड़ित जो बच्चे हैं जिनके लिए इन्होंने टाइम निकाला, उनकी भी दुआएं लगेंगी और श्योरली पिक्चर बहुत बड़ी हिट होने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू।